होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यामिनी गौमन ने आज अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करवा दिया। इस मौके पर उनके कार्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक रोड शो का आयोजन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस मौके पर उनके नामांकन दाखिल करवाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजावड़िंग खास तौर पर पहुंचे। नामांकन दाखिल करवाते समय जिला होशियारपुर के कांग्रेस अध्यक्ष मिक्की डोगरा, पवन आदिया, पूर्व विधायक हल्का शाम चौरासी संगत सिंह गिलजिया, पूर्व विधायक और अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बताते चलें कि यामिनी गौमन के नामांकन दाखिल करवाने के बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही तरह का जोश और उमंग पाया जा रहा है। जीबीसी अपडेट के लिए होशियारपुर से बजरंगी पांडे और राघव शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.